दोस्तों, कभी न कभी आप लोगों ने ये पेंटिंग तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो आज देख लीजिए, बहुत ही रहस्यमय पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। एक विचित्रमय पेंटिंग है जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इसे लियोनार्डो डा विंची ने, जो इटली के एक प्रसिद्ध पेंटर थे, उसने 1503 से 1517 के बीच इसे बनाई थी। इस पेंटिंग में जो महिला दिख रही है ना, ऐसा कहा जाता है कि यह महिला एक गुमनाम व्यापारी फ्रांसिस्को देल जियोकांडो की पत्नी लीजा घेराद्रिनी को देखकर बनाई गई है। सदियों से माना जाता है कि मोनालिसा की जो मुस्कुराहट है ना, बहुत ही रहस्य बनी हुई है। ये सदियों से ऐसा है। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग विचार है इस पेंटिंग को लेकर। उसमें से एक वैज्ञानिक सुसरा माइक, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उसका कहना है कि तस्वीर में जो दिख रही महिला है ना, इटली के ओरांगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी इसाबेला है। और इसाबेला की मुस्कान में दुख है, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने से कुछ समय पहले ही उसकी माँ, मतलब कि इसाबेला की माँ का देहांत हो गया था। सुश्री माइक के अनुसार इसाबेला लियोनार्डो के करीबी थे। मोनालिसा की मुस्कान के बारे में करीब 8 वर्ष पूर्व जापान के एक दांत के डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरान में डाल दिया कि मोनालिसा की जो रहस्यमय मुस्कान का राज है ना, उसके पीछे उसकी जबरों में जो है आगे के 2 दांत जो होते हैं ना, वो उसका टूटा होना है। और इसी कारण से उसके ऊपरी होठ एक तरफ कुछ दबा हुआ है, और यह दिख भी रहा है पेंटिंग में। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है। तो मोनालिसा के होठों पे तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग कहना है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके होठ में करीब जो है ना 14 साल लगे इसके होठ बनाने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।